अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज हारिस फ्रॉम हैशटैग हारिस। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है सैमसंग A6 एंड A6 प्लस के बारे में। आज जो है मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको A6 और A6 प्लस की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। कौन कहता है कि कोरियन स्मार्टफोन्स और बिग बजट स्मार्टफोन लेने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। क्योंकि सैमसंग जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। एक का नाम है A6 और A6 प्लस, जो कि 2018 में लॉन्च होने वाले हैं। सैमसंग के ये दोनों मोबाइल के जो फ्रंट और रियर कैमरा है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव फोटोज लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी A6 की, जिसका जो डिस्प्ले है वो है 5.6 इंच और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो है 720x480 रेजोल्यूशन, यानी कि ऑलमोस्ट HD डिस्प्ले। और फोन में जो है एक 16 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ रियर शूटर कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का f1.9 सेल्फी स्नैप कैमरा है और विद LED फ्लैश। इस स्मार्टफोन में ऑल ग्लास बॉडी है, जो कि एक प्रीमियर फीलिंग प्रोवाइड करती है। इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर 1.6 CPU है और इसमें दो वेरिएंट आएंगे, एक 3GB वाला और एक 4GB वाला रैम वाला। और इसके अलावा इंटरनल मेमोरी में भी दो वेरिएंट हैं, एक 32GB वाला और दूसरा है 64GB वाला। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल परचेज करते हैं। और ये मोबाइल जो है वो सपोर्ट करता है माइक्रो SD कार्ड को अप टू 256GB। A6 में 3000 mAh की बैटरी यूज होती है और इसके अलावा जो स्मार्टफोन में जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है वो है एंड्रॉइड 8.0 URDU। चलिए अब बात करते हैं A6 प्लस की। A6 प्लस जो है इसकी स्क्रीन जो है 6 इंच की है और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 1080x2220, यानी कि 1080p रेजोल्यूशन। और इसके जो रियर कैमरा सेटअप है वो है ड्यूल, यानी कि इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप यूज किया गया है, एक जो है 16 मेगापिक्सल का और दूसरा जो है वो है 5 मेगापिक्सल का। और 16 मेगापिक्सल वाले कैमरा का जो अपर्चर है वो है 1.7 और 5 मेगापिक्सल वाले कैमरा का 1.9 है। और अगर सेल्फी कैमरा की मैं बात करूं तो जो सेल्फी कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का विद 1.9 अपर्चर के साथ और LED फ्लैश भी इसमें इंक्लूड है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें जो प्रोसेसर है वो A6 से थोड़ा बेहतर है, यानी कि इसका जो प्रोसेसर है वो है 1.8 GHz ऑक्टा कोर और इसमें जो रैम और स्टोरेज है वो बिल्कुल वही है जो कि A6 में यूज हो रही है। और इसके अलावा जो बैटरी की अगर मैं बात करूं तो A6 प्लस में जो बैटरी है वो है 3500 mAh की और इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो भी एंड्रॉइड 8.0 यूज किया गया है। तो चलिए अब इसकी प्राइस के बारे में बात करता हूं। वैसे तो सैमसंग ने ये मोबाइल्स अनाउंस कर दिए हैं A6 और A6 प्लस, जो कि इनकी A सीरीज में इंक्लूड होते हैं, लेकिन अभी तक जो है सैमसंग की तरफ से प्राइस कन्फर्म नहीं की गई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो प्राइस रूमर्ड प्राइस है वो क्या है। इसकी प्राइस जो होने वाली है वो 40,000 से 50,000 के करीब करीब होगी। और अगर मैं इनके कलर्स की बात करूं तो ये ब्लैक गोल्ड ब्लू कलर में अवेलेबल होगा। और A6 प्लस के ड्यूल कैमरा में बूके इफेक्ट भी है, जो कि आप तस्वीर खींचने के बाद भी इसमें यूनिक किस्म का बैकग्राउंड ब्लर भी ऐड कर सकते हैं। अभी इस बात का हमें ये पता नहीं है कि ये मोबाइल पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये मोबाइल हमें मई के एंड पर मार्केट्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एशियन मार्केट में ये आ जाएंगे मोबाइल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।